ये सर इसकी आन बान शान में किसी प्रकार की आंत नहीं आनी चाहिए। ये जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, साफ सुथरी जगह पर रहे, इसका किसी भी प्रकार से अपमान ना हो। अगर कभी भी आपकी गुड़िया का अगर आपको याद आता है तो इसको देख लीजिए, वीडियो करना है, आपको उन्हें आपकी गुड़िया नजर आएगी, फोटो क्लिक कीजिए। इसको किसी भी प्रकार से नष्ट होने नहीं दीजिएगा। और इधर इसको अगर आप चाहें तो कांच के फ्रेम में मुड़वा दीजिएगा, ठीक है, और किसी भी तरीके से इसको नुकसान न पहुंचे, इस बात का ध्यान रहे। ये हमारे देश का तिरंगा है, हमारे देश की शान है, हमारे देश की मान। जय हिंद दोस्तों, हम चैन से सो पाए इसीलिए बस हो गया कि हम चैन से सो पाए इसीलिए बस हो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया, वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। बिहार के अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र का जयमंगल बिघा का बहादुर बेटी सीआरपीएफ का महिला जवान कविता कुमारी देश की सुरक्षा देते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इलेक्शन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गई थी। शहादत की सूचना जैसे ही फोन करके सीआरपीएफ के अधिकारियों ने परिजनों को दिया तो घर पर मातम पसरा हुआ था। परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था, पूरे गांव में सन्नाटा पसर चुका था। कल सीआरपीएफ के विशेष वाहन से शहीद बहादुर बेटी कविता कुमारी का तिरंगे में लिपट कर शव को घर पर लाया गया। शव को घर पर लाते ही परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। माँ और पिता बार बार बेहोश हो जा रहे थे। परिवार परिजनों ने माँ और पिता को संभाले हैं। शहीद कविता कुमारी वर्ष 2021 में सीआरपीएफ में शामिल हुई थी और वह देश की सेवा दे रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि शहीद कविता कुमारी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए थे, लेकिन उसी दौरान ड्यूटी के दौरान एक बाइक के चपेट में आ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायलों के दौरान उन्हें दिल्ली में उपचार चल रहा था, लेकिन उपचार के दौरान बीते दिन वह अंतिम सांस ले लिए और दुनिया को हमेशा हमेशा अलविदा कह दिए। और यह महिला जवान कविता कुमारी देश की सुरक्षा देते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। शहीद कविता कुमारी बताया जाता है कि 25 वर्ष के उम्र में देश की सुरक्षा देते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। प्राण के न्यौछावर करने के बाद परिवार परिजनों में कोहराम मच चुका है। शहीद कविता कुमारी मूल रूप से बिहार के अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र का जयमंगल बिघा का बहादुर बेटी थी और यह महिला जवान सीआरपीएफ में शामिल होकर देश के अनेकों जगह सेवा देते आ रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि यह महिला जवान अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। शहीद कविता कुमारी बताया जाता है कि तीन बहनों में छोटी बहनी थी और यह महिला जवान सीआरपीएफ में शामिल होकर देश की सेवा दे रहे थे। कविता कुमारी का एक इकलौता भी भाई था, जो कि भाई और बहन और माँ और पिता सभी का छोड़कर यह महिला जवान अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। प्राण के न्यौछावर करने के बाद जैसे ही सीआरपीएफ के अधिकारियों ने परिजनों को सूचना दिए तो इनके बूढ़ी माँ और बूढ़े पिते के रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। बताया जाता है कि शहीद जवान के कल सीआरपीएफ के विशेष वाहन से पार्थिव शव इनके पैतृक गांव में लाया गया। शव लगते ही परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। बताया जाता है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद महिला जवान का इनके पैतृक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने सलामी देकर शहीद महिला जवान का अंतिम विदाई दी। बताया जाता है कि शहीद महिला सीआरपीएफ जवान का अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों की जनसैलाब उमड़े थे और सभी नम आंखों से हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगी शहीद कविता कुमारी तेरी नाम रहेगी नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक क्षेत्र। बताया जाता है कि शहीद जवान के अंतिम यात्रा में लोग इनके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला बरसा रहे थे और सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे। शहीद महिला सीआरपीएफ जवान कविता कुमारी वर्ष 2021 में बताया जाता है कि सीआरपीएफ में शामिल हुई थी और यह महिला जवान देश के अनेकों जगह सेवा दे रहे थे, लेकिन उसी दौरान इन्हें इलेक्शन ड्यूटी के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लगाया गया था। लेकिन ड्यूटी के दौरान एक बाइक के चपेट में आ जाते हैं और महिला सीआरपीएफ जवान कविता कुमारी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। घायल अवस्था में सीआरपीएफ के साथियों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर तबियत और भी बिगड़ती गई। बाद में इन्हें दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन दिल्ली में इलाज के दौरान यह महिला जवान की मौत हो जाती है। मौत के बाद परिवार परिजनों में कोहराम मच चुका था, क्योंकि घर का इकलौता कमाऊ बेटी थी, बहादुर बेटी थी, जो कि अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोती है।